It is mainly used in the electrical and electronic industries. It can be split into very thin sheets. देखो दो वर्ड इंपॉर्टेंट हो गए यहाँ से, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था ये तो. इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और थिन शीट्स में कर सकते हैं इसको, ठीक है. विच आर टफ एंड फ्लेक्सीबल. इन इंडिया इट इज़ प्रोड्यूस इन झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, ठीक है. इन झारखंड हाई क्वालिटी ऑफ दिस मिनरल इज ऑब्टेन्ड इन द लोअर हजीराबाद प्लेट्यू. इन आंध्र प्रदेश नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द मिनरल. इन राजस्थान इट एक्सटेंड फ्रॉम जयपुर टू भीलवाड़ा अराउंड उदयपुर. विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल डिपिक्टेड इन द अबव पैसेज. तो जब मैंने इसको देखा क्वेश्चन को, तो पहली बात कहते इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में, तो दूसरी देखो इसमें इलेक्ट्रिकल में मेरे को टंगस्टन और माइका ये दोनों याद हो रहे थे कि भाई टंगस्टन हम देखते हैं किसमें लगता है, बल्ब के अंदर लगता है, और माइका कहाँ लगता है आपका, इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया उसके अंदर, ठीक है. तो दोनों इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज होते हैं, ये तो पता था. इन दो के लिए शोर थे, ठीक है. अब मेरे को लगा आंसर इन्हीं में से आएगा. अब दूसरी बात इसने कहा क्या कि शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इनको, शीट्स में, ठीक है. अब बचपन में पढ़ते थे कि माइका को शीट्स में कन्वर्ट कर सकते थे, तो ये उस टाइम की नॉलेज थोड़ी यहाँ पे काम आई कि माइका क्या है, इट कैन बी कन्वर्ट इन टू शीट्स. और वो भी नहीं, फिर मैंने एक और दिमाग लगाया जैसे कि जो बल्ब देखते हैं, तो बल्ब को तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर टंगस्टन फिलामेंट होता है, और वो क्या होता है, वायर के अंदर होता है. तो टंगस्टन से मेरे को वायर कनेक्ट हो रहा था, ठीक है, कि वायर के अंदर होता है, शीट का नहीं हो रहा था कनेक्शन. और माइका के अंदर जैसे कि आप प्रेस देखते हो, तो माइका की एक शीट लगी होती है उसके अंदर, प्रेस के अंदर. तो कहीं ना कहीं माइका मेरे दिमाग में जा रहा था कि शीट से कनेक्टेड है, तो इसलिए मैंने कहा था माइका. मैं आपको ये चीज़ें इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन के साथ एंगेज होना है, कि कैसे भी करके आप उसको एंगेज करो. एक तरीका और था, माइका आप जैसे पढ़ते हो ना, तो ये पढ़ते हो कि आंध्र प्रदेश के अंदर हाई क्वालिटी माइका मिलता है, तो वहाँ से भी आप इसको कर सकते थे. लेकिन अगर ये नहीं पता था, तो ये चीज़ें तो बेसिक थी. इलेक्ट्रिकल देखो पहले कौन सी करेगी, ठीक है, फिर उसके बाद ये देखो कि इसने पता लगा शीट्स के अंदर कर सकते हैं, कौन सा डक्टाइल है या मिलेबल है वो प्रॉपर्टी, कुछ बचपन की चीज़ें याद करनी पड़ेगी. तो काफ़ी चीज़ें आपको रिलेट करके तब आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे. ये नहीं एक सिंगल माइंडेड एक तरीके से बस पढ़ पढ़ के करना है, कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ मेमोरी, कुछ आपने फ्रेंड्स से डिस्कस किया होगा भी, तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में. कुछ आपने ऑब्जर्व किया हो, अब ये प्रेस वाला, बल्ब वाला ऑब्जर्व ही कर रखा था हमने, कभी बल्ब का अलग थोड़ी पड़ा होगा कि यार तार है, बस ऑब्जर्व किया है बल्ब के अंदर टंगस्टन लगा होता है और वैसे, और वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया. तो एक दो क्वेश्चन आप ऐसे भी सॉल्व करोगे एग्जाम में.